गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फूड चैन कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। अपन सब जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो सनलाइट होती है, सन होता है, और उसको सनलाइट से ही, जो सन से ही जो एनर्जी आती है वही आगे चल के इकोसिस्टम में फ्लो होती है, प्रवाहित होती है, और वही एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए काम में आती है। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे वो एनर्जी फ्लो होती रहती है। तो और जो सनलाइट होती है उसकी सोलर एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट करने का काम, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। और ग्रीन प्लांट्स केमिकल एनर्जी को वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इनके रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इनकी स्टोर्ड जो ये कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के रूप में, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। और इस तरह से जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर जो होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, और हर्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स या सेकंड कंज्यूमर या फर्स्ट कार्निवोर कंज्यूम कर लेते हैं, और वो फिर उनको आगे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल के जो भी कार्निवोर है या टॉप कंज्यूमर है वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल और उससे आगे ट्रॉफिक लेवल पे प्रवाहित होती रहती है, एक चेन का निर्माण हो जाता है। इसी चेन को खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो कोई घास है कहीं भी, आजकल जो रेनी सीज़न होता है इसमें बहुत सारे इंसेक्ट बढ़ जाते हैं, जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनका फूड बढ़ जाता है। और हर जगह जहाँ भी अपन देखें रूटीन लाइफ में तो ग्रास होपर्स अपन को दिखाई देते हैं, और ये ग्रास होपर्स जो होते हैं ये घास को खाते हैं, और ग्रास होपर्स को बहुत सारे जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं जो कि तुम अपनी डेली लाइफ में देखते हो, जैसे कि बुलबुल होती है वो इंसेक्टिवोरस होती है, इंडियन चैट होती है वो इंसेक्टिवोरस होती है, टेलर बर्ड होती है इंसेक्टिवोरस होती है, और बहुत सारी लिजार्ड होते हैं वो भी, फ्रॉग होते हैं वो भी इंसेक्ट्स को खाते हैं। इस तरह से वो आगे चला जाता है और फिर उनको जो टॉप कंज्यूमर होगा वो कंज्यूम कर लेगा। इस तरह से एक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये चेन ही जो फूड की रिक्वायरमेंट के लिए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उन और आगे वाले उन पे डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह से एक चेन का फॉर्मेशन होता है, इसे ही फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन के प्रकार, खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार। तो मेनली खाद्य श्रृंखलाएँ तीन तरह की होती हैं। पहली है ग्रेजिंग फूड चेन, ये चारण खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन या परजीवी खाद्य श्रृंखला, सेप्रोफाइटिक या डेट्रिटिस फूड चेन, मृतोपजीवी या अप्रतिक खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले देखते हैं अपन ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा कि सबसे पहले जो पहला लेवल होगा वो प्रोड्यूसर्स का होगा, और प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स उसके सेकेंड लेवल पे, सेकेंड स्टेप होगी उनकी, और उनको कंज्यूम करने वाले फिर फर्स्ट कार्निवोर, सेकेंड कार्निवोर, अल्टीमेटली टॉप कंज्यूमर ये होंगे। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या खास बात होती है कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्रीन प्लांट्स से होता है, और ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले, उन पर डिपेंडेंट, उनको चढ़ने वाले, ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स उसमें फर्स्ट स्टेप प्रोड्यूसर्स के बाद होता है, और उसके बाद आगे ट्रॉफिक लेवल्स उन पे डिपेंडेंट जो भी हर्बीवोर्स पे, फर्स्ट कार्निवोर होंगे फिर सेकंड कार्निवोर होंगे, इस तरह से ये आगे चलती जाती है। और ये जो ग्रेजिंग फूड चैन है, इसमें ग्रेजिंग फूड चैन में जो ग्रोस प्रोडक्शन है सोलर एनर्जी को, जो ऑटोट्रॉफ ने, प्रोड्यूसर्स ने बनाया है, प्रोडक्शन किया है, ग्रोस प्रोडक्शन केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया है,
वो आगे चलकर किस तरह से ग्रोस प्रोडक्शन कम होता जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, ये इस डायग्राम के द्वारा बताया गया है, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन्होंने केमिकल एनर्जी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया, तो उसका जो ग्रोस प्रोडक्शन है वो एक तो रेस्पिरेशन में खुद को एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ग्रोस प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, और यदि वो उसका कुछ पार्ट डीके हो गया है प्रोड्यूसर्स का, तो वो डीकम्पोजर्स के द्वारा डीकम्पोज कर दिया जाता है और फाइनली एनवायरनमेंट में मिल जाता है, और यदि इनकी डेथ हो जाती है तो भी वो उनको डीकम्पोजर्स के द्वारा डीके करके उनको एनवायरनमेंट में मिला दिया जाता है। इसी तरह से फिर जो ग्रोस प्रोडक्शन था वो जो नेट प्रोडक्शन बचा वो फिर आगे चल के, क्योंकि इनमें जो फूड के रूप में केमिकल एनर्जी के रूप में जो स्टोर हुआ वो नेट प्रोडक्शन हुआ, और उसको फिर हर्बीवोर कंज्यूम कर लेते हैं, और हर्बीवोर में भी जाने के बाद में जो नेट प्रोडक्शन है वो रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, और एक्सक्रीट आउट जो हो जाता है वो डिकम्पोज कर दिया जाता है, और यदि उनकी डेथ हो जाती है तो भी वो डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। इस तरह से धीरे धीरे जो प्रोडक्शन किया है प्लांट्स ने वो कम होता जाता है और लास्ट लेवल पे जाके और कम हो जाता है, और मेनली जो फूड चेन होती हैं वो 5 स्टेप तक ही हो पाती है, इससे ज़्यादा स्टेप फूड चेन के नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अपन डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में प्लांट्स ने बनाई है, सोलर एनर्जी को जो कन्वर्जन किया है, वो धीरे 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 कम हो जाती है, और वो 5 लेवल तक ही वो एनर्जी पहुंच पाती है, जिससे कि आने वाला ट्रॉफिक लेवल है वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। एनर्जी के हिसाब से उसकी जो क्वालिटी है वो मिनिमम पे आ जाती है, और उसके बाद आगे एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो आगे वाले लेवल पे पूरी नहीं हो सकती, इसलिए जो फूड चेन्स हैं वो 5 स्टेप से ज़्यादा की नहीं हो पाती हैं। अगर अपन की पॉइंट्स देखें ग्रेजिंग फूड चेन के, तो पहली चीज़ तो ये कि इसे प्रीडेटरी फूड चेन भी कहते हैं। प्रीडेटरी फूड चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रीडेटर्स अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोड्यूसर्स के बाद हर्बीवोर आते हैं, और हर्बीवोर के बाद कार्निवोर्स की एक चेन आती है, कि एक हर्बीवोर को खाने वाला प्रीडेटर उसका शिकार करने, उसको खाने वाला हर्बीवोर को शिकार करेगा, फिर जो हर्बीवोर को शिकार किया है कार्निवोर फर्स्ट, उसका सेकंड जो प्रीडेटर होगा उसका, वो सेकंड कार्निवोर उसका शिकार करेगा। इस तरह से प्रीडेटर्स और प्रीडेटर्स इसमें पाए जाते हैं, तो इसको प्रीडेटरी खाद्य श्रृंखला, प्रीडेटरी फूड चेन भी कहते हैं। और इसमें सनलाइट प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, और ये हमेशा इकोसिस्टम में एनर्जी ऐड करती है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ये फूड चेन जो होती है फिक्स करती है, और इसमें जो इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बड़ी साइज के होते हैं। अगर अपन एग्जांपल इसके देखें तो एग्जांपल्स अपन रूटीन लाइफ में देखते रहते हैं, घास को खाने वाले रैबिट्स, डियर, और उसको खाने वाले फिर फॉक्स भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, और अगर एक्वेटिक के अपन एग्जांपल देखें तो फाइटोप्लैंक्टन, जिनको जू प्लैंक्टन खाते हैं उनको फिर स्मॉल फिशेज, और उनको फिर बड़ी फिशेज खाती हैं। इस तरह से ग्रेजिंग फूड चेन है उसके एग्जांपल्स होते हैं। सेकंड में अपन देखते हैं पैरासाइटिक फूड चेन। जो पैरासाइटिक फूड चेन होती है वो परजीवी खाद्य श्रृंखला, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स होंगे, लेकिन हर्बीवोर्स के बाद इसमें प्रीडेटर्स की जगह पैरासाइट्स आ जाते हैं। पैरासाइट्स जो हर्बीवोर हैं उन पे, पैरासाइट क्या होता है कि दूसरे जीव पर डिपेंडेंट उसकी बॉडी पे, या तो बाहर एक्टोपैरासाइट के रूप में बॉडी के बाहर की तरफ रहता है, या फिर बॉडी के अंदर इनसाइड रहता है और अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, लेकिन वो अपने जो भी होस्ट होता है उसको मारता नहीं, जिस पर डिपेंडेंट होता है उसको होस्ट कहते हैं, और उस पर रहने वाला पैरासाइट होता है, तो वो उसको मार के अपना खाना नहीं लेता, जबकि वो उससे अपने खाने की रिक्वायरमेंट पूरी करता रहता है, उससे सक करता रहता है खाना, उससे खाना प्राप्त करता रहता है, और धीरे धीरे उसको नुकसान पहुँचाता है, एकदम से मारता नहीं है। तो
इसकी यही खास बात है कि इसमें पैरासाइट्स पाए जाते हैं, और फिर उन पैरासाइट्स पे, जैसे हर्बीवोर पे जो पैरासाइट है उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, इस तरह के पैरासाइट्स रहते हैं जिन्हें हाइपर पैरासाइट कहते हैं, जो पैरासाइट पे रहने वाले पैरासाइट होते हैं। तो इस तरह की ये फूड चैन होती है, इसमें प्रीडेटर्स की जगह पैरासाइट्स आ जाते हैं, और ये इनमें भी वही एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन इनकी खास बात बस ये है कि एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैरासाइटिक फूड चैन है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई इस तरह के छोटे साइज के, और दूसरी चीज़ ये लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स अगर अपन पैरासाइटिक फूड चैन का देखेंगे तो वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, क्योंकि इसमें एक ट्रॉफिक लेवल पे, फर्स्ट लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम होते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, साइज उनकी छोटी होती है और वो बढ़ते जाते हैं संख्या में। और अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि ये हर्बीवोर है, कोई भी हर्बीवोर हो सकता है, उसके अंदर एंडोपैरासाइट निमेटोड्स रहते हैं, और निमेटोड्स के अंदर फिलामेंटस बैक्टीरिया या बहुत सारे फंजाई और बैक्टीरिया एंडोपैरासाइट्स के रूप में, हाइपर पैरासाइट के रूप में, पैरासाइट के रूप में रहते हैं। इस तरह से जो ट्री इकोसिस्टम भी है वो भी इसी का एग्जाम्पल है कि ट्री इकोसिस्टम में ट्रीज़ पर लिविंग जो फ्रूट ईटिंग बर्ड, उस पर डिपेंडेंट जो बर्ड होते हैं वो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, मेनली लीफ लिविंग ईटिंग बर्ड्स भी होते हैं, और इन बर्ड्स पे बहुत सारे लाइस एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, और इनके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई, लाइस के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में बैक्टीरिया और फंजाई रहते हैं। इस तरह से ये चैन चलती है। इसके बाद अपन देखते हैं डेट्रिटस फूड चैन, या फिर सेप्रोफाइटिक फूड चैन, या फिर इसे कहेंगे अपरद या मर्तोपजीवी फूड चैन। इस फूड चैन की खास बात ये है कि ये शुरू ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू ना होकर के, ये डेड पार्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट्स से शुरू होती है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, पौधे होते हैं, इनकी सड़ी गली जो पत्तियाँ हैं जो टूट जाती हैं, डेड पार्ट्स होते हैं, वो गिर जाते हैं मिट्टी में, और फिर उन पर डिपेंडेंट, उनको डीकम्पोज करके अपना खाना प्राप्त करने वाले जो डीकम्पोजर्स हैं वहाँ से ये फूड चेन शुरू होती है, और फिर उन पर डिपेंडेंट जो भी अगले ट्रॉफिक लेवल के कंज्यूमर्स होंगे वो होंगे, और उसके बाद उससे आगे बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो डेड लीव्स होती हैं, उनको वुड लाउस खाते हैं, और वुड लाउस को बहुत सारे बर्ड्स खाते हैं, और बर्ड्स के फिर और कंज्यूमर्स ऊपर पाए जाते हैं। और इसके अगर इसका की पॉइंट अपन देखें तो ये है कि ये एक तो डेड पार्ट्स जो हैं उनसे शुरू होती है, और दूसरी चीज़ फोटोसिंथेसिस की इसमें नीड नहीं होती है। जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, सनलाइट नहीं भी पहुँचती, जैसे कि बॉटम ऑफ लेक्स, बॉटम ऑफ ओशंस, वहाँ भी ये फूड चैन चलती रहती है, और इसमें जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको कंटिन्यूएशन मिलता रहता है। जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता वहाँ भी ये चलती रहती है, और जो डेड पार्ट्स होते हैं उनको डेट्रिटस कहते हैं, और इसके अलावा ये वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करने की काम करती है, जो वेस्ट पार्ट होते हैं उनको मिनिमाइज करते हैं, और एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स, ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये जो डेड पार्ट्स डीके जो कि साइकिल से बाहर चली जाती हैं चीज़ें एनर्जी की, तो उसको वापस से एनवायरनमेंट में एंटर कराती हैं। अब अपन अगर इसके एग्जांपल देखें तो मेन एग्जांपल जैसे मैंग्रोव ट्रीज़ हैं, तो मैंग्रोव ट्रीज़ की खास बात ये होती है कि उसको लिविंग फॉर्म में बहुत कम कंज्यूमर्स कंज्यूम कर पाते हैं, फिर उनकी डेड पार्ट्स हैं वो मिट्टी में, मड में गिर जाते हैं, और मेनली जो फाइटोफेगस इंसेक्ट्स होते हैं वो फिर उनको कंज्यूम कर लेते हैं, और कंज्यूम करने के बाद में जो नीचे गिरने के बाद में, वाटर बॉडी में गिरने के बाद में फाइटोफेगस इंसेक्ट उसको कंज्यूम करते हैं, और फिर उन पे, उन इंसेक्ट पे डिपेंडेंट जो भी कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो यदि यहाँ पे डीकम्पोजर्स, डेट्रिटस फूड चैन नहीं होती तो मैंग्रोव्स का बहुत सारा पार्ट तो काम में ही नहीं आता, उसका जो प्रोडक्शन था वो वेस्ट चला जाता। और एग्जाम्पल अगर अपन देखें इसका डेट्रिटस फूड चैन का, तो इसमें जैसे कि पानी में अगर अपन देखते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में अगर अपन देखते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि मिट्टी में जो
जो भी डेड पार्ट मिट्टी में गिर जाता है प्लांट्स का, पौधों का, तो वो फिर उसको कंज्यूम करने वाले, जैसे कि स्नेल्स होते हैं वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं, और अर्थवर्म्स को खाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर उनके कंज्यूमर आगे चले जाते हैं। इस तरह से ये आज अपनी फूड चेन का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।